चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाली से मिल रही है, यहाँ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुबह 6 बजे से एक बड़े औद्योगिक समूह पर कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स की टीम, दिल्ली और गुजरात के अधिकारी इनकम टैक्स की टीम में शामिल है। 800 से ज्यादा अधिकारी आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश में अन्य कई स्थानों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई की सूचना मिल रही है, तो कई स्थानों पर भी इनकम टैक्स ने रेड डाली है। पाली में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई मानी गई है, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही एक बड़े औद्योगिक समूह में कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स की टीम में दिल्ली और गुजरात के अधिकारी शामिल है। 800 से ज्यादा अधिकारी आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश में अन्य कई स्थानों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई की सूचना मिल रही है, यानी अब आने वाले समय में कई और स्थानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई से जुड़ी हुई खबरें आपको मिल पाएंगी। सुबह 6 बजे से एक बड़े औद्योगिक समूह पर कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम जो आई है उसमें दिल्ली और गुजरात के अधिकारी हैं। 800 से ज्यादा अधिकारी आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये बड़ी कार्रवाई इसलिए भी क्योंकि 800 से ज्यादा अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं, और ये अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा इनपुट इन्हें मिला होगा, और उसी अंदाज में अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। और आने वाले समय में कई और स्थानों पर रेड पड़ सकती है और बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, कई और नाम सामने आ सकते हैं। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये पाली की तस्वीरें हैं, एक बड़ा औद्योगिक समूह है उसके ठिकाने पर पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, सुबह 6 बजे से कार्रवाई चल रही है, क्या अभी ये एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सभी अधिकारी इनकम टैक्स के, और कुछ मिल पाया है अपडेट? सुभाष, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है जरा जानकारी दीजिएगा, इस कार्रवाई को लेकर अपडेट क्या है? मैं आपको पूनम बताना चाहूंगा कि पाली सहित प्रदेश के कई भागों में, जिसमें बालोतरा भी शामिल है, एक औद्योगिक समूहों पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 800 से अधिक अधिकारी शामिल है, जिसमें बॉम्बे और गुजरात के तमाम अधिकारी शामिल हैं। इसको लेकर सुबह 6 बजे से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अभी मीडिया के सामने कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच में जितने भी ये पाली के समूह हैं और उनसे जुड़े कर्मचारी हैं, उनके निवास स्थान पर और उनके औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा जो सूचना मिल रही है फर्स्ट इंडिया को सूत्रों के अनुसार, उसमें उदयपुर, शेखावाटी, जोधपुर, बालोतरा सहित विभिन्न स्थानों पर भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और समझा यह जा रहा है कि दोपहर बाद तक कोई अधिकृत जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर सामने आएगी। इसमें इनकम टैक्स सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी इस कार्रवाई में शामिल है। पूनम, एक औद्योगिक समूह पर अभी कार्रवाई चल रही है, पता चल पाया है वो कौन सा है, और कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं? सुभाष, जो अभी तक अधिकृत जानकारी सामने आई है उसमें एक बड़ा गोगड़ ग्रुप है पाली का, जिनके कई प्रतिष्ठान हैं बालोतरा सहित अन्य पाली सहित अन्य स्थानों पर, वहां पर एक साथ छापेमारी की गई है और बड़ी संख्या में अधिकारी इस कार्रवाई के अंदर शामिल है। पूनम, और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि जो अधिकारी आए हैं वो गुजरात और दिल्ली की टीम के हैं, तो ऐसे में क्या समझा जाए? दूसरी तरफ 800 से ज्यादा अधिकारी कार्रवाई में लगे हुए हैं, तो क्या सभी एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर फिर ये जानकारी मिल पा रही है कि 800 से ज्यादा अधिकारी इनकम टैक्स की कार्रवाई कर रहे हैं? सुभाष, जो फर्स्ट इंडिया को सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है उनमें ये बताया गया है कि इनकम टैक्स के अलावा अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल है, जिसमें बॉम्बे और गुजरात के तमाम अधिकारी हैं। ये एक साथ पाली और अन्य शहरों के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसको लेकर पूरा खुलासा तो सामने नहीं हुआ है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति को लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, ये मोटे तौर पर जो जानकारी आई है वो है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष इस जानकारी के लिए।